हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पे आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे भारत का बहुप्रतीक्षित तेजस एम के 1A वेरिएंट फाइटर एयरक्राफ्ट का रेट कॉस्ट फाइनल हो गया है। जी हाँ, अब ये कॉस्ट 52.5 मिलियन करीब हमारे इंडियन करेंसी में करीब 380 करोड़ के आसपास होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि 5 दिन पहले एक अपडेट आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि तेजस एम के 1A वेरिएंट पर यूनिट का कॉस्ट 75 मिलियन आसपास आ सकता है, क्योंकि हमारे इंडियन करेंसी में करीब 550 करोड़ रुपया बनता था। लेकिन अभी ये जो रिपोर्ट आया है, अभी ये फाइनल कॉस्ट, मतलब ये तेजस एम के 1A वेरिएंट का फाइनल मूल्य सामने आ गया है, फिर ये GST के साथ 380 करोड़ पर यूनिट कॉस्ट, जो कि अमेरिकन डॉलर में 52.5 मिलियन होता है। मतलब तेजस एम के 1A वेरिएंट एयरक्राफ्ट के लिए 18% GST के बाद अंतिम लागत ये कॉस्ट सामने आया है, जो कि 52.5 मिलियन USD प्रति यूनिट होगी। और बेसलाइन तेजस एम के 1A वेरिएंट के बाद HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का 6% का मार्जिन प्रॉफिट GST से पहले 44.5 मिलियन USD पर यूनिट कॉस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो कॉस्ट अभी फाइनल किया गया है, ये जो मूल्य अभी तेजस एम के 1A वेरिएंट के लिए फाइनल किया गया है, ये लास्ट फाइनल कॉस्ट है। जी हाँ, मतलब सब मिला के GST के बाद ये मूल्य रखा गया है। लेकिन पहले से 2 टाइम ये तेजस एम के 1A वेरिएंट का कॉस्ट भी सामने आया था, जिसमें हर एक तेजस एम के 1A वेरिएंट का कॉस्ट करीब 75 मिलियन कहा जा रहा था, जो कि 5 दिन पहले। लेकिन अभी ये जो रिपोर्ट आया है, ये पूरा बिल्कुल ही फाइनल रिपोर्ट है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लाटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। अगर यहाँ पर हम ग्राइपेन CDE वेरिएंट एयरक्राफ्ट का बात करें, तो ये पर यूनिट का कॉस्ट 60 से 81 मिलियन तक पहुँच जाता है। और F-16B वेरिएंट का कॉस्ट 121.8 मिलियन आ जाता है, जो कि 1000 करोड़ से ज्यादा होगा। और यहाँ पर हम पाकिस्तानी JF-17 एयरक्राफ्ट के कोई भी वेरिएंट के साथ हमारे ये तेजस एयरक्राफ्ट को कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे ये बहुत ही एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे गवर्नमेंट के तरफ से 48,000 करोड़ में से 45.696 करोड़ ये तेजस एम के 1A-83 तेजस एम के 1A वेरिएंट के डिजाइन और डेवलप पे लगाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे तेजस एम के 1A वेरिएंट बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट होगा, जो कि एयर में एयर रिफ्यूल कर सकता है और बहुत ही एडवांस वेपन के साथ लेस होगा। साथ साथ ऐसा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक रडार के साथ भी लेस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। ऐसा करते हुए टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगेगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए। डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।